हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपने आईफोन में वॉइस अनलॉक का फीचर लाकर सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है मेरा आईफोन XR मॉडल और इस आईफोन में मैं करने वाला हूँ वॉइस अनलॉक सेटअप। सो इसके लिए मुझे जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद मुझे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाना है, और फिर जाना है वॉइस कंट्रोल्स वाले सेक्शन में। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर वॉइस कंट्रोल्स वाला जो ऑप्शन है वो मेरा अभी ऑफ है। सो सबसे पहले मुझे कुछ इसे ऑफ ही रहने देना है, और सबसे पहले मुझे कुछ कमांड्स रन करनी है। सबसे पहले कस्टमाइज कमांड्स के ऊपर क्लिक करो, और फिर जाओ कस्टम जेस्चर के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये कस्टम जेस्चर सेट कर रखा है, सबसे पहले इसे मैं डिलीट करने वाला हूँ। एडिट करके डिलीट कमांड कर दूंगा। अगर आपने पहली बार वॉइस अनलॉक सेटअप करना है, सो आपको क्रिएट न्यू कमांड के ऊपर जाना है, और फिर यहाँ पर आपको सेटअप करना है जो भी आप अपने फ़ोन को बोलकर अनलॉक करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका नाम जॉन है, सो अगर आप जॉन यहाँ पर प्रेस करोगे या फिर बोलोगे या एंटर करोगे, सो आपका जो आईफोन है जॉन बोलने पर अनलॉक होगा। सो आपको अपने हिसाब से वो चीज़ सेट करनी है जो आप अपने आईफोन को बोलकर अनलॉक करना चाहते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ की जैसे कि आप देख सकते हो, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सेट किया है अनलॉक। अगर मैं इसे अनलॉक बोलूँगा तो मेरा आईफोन अनलॉक हो जाएगा। सो इसके लिए मुझे अनलॉक मुझे सेट कर देना है यहाँ पर, और एक्शंस के ऊपर जाना है, और फिर जाना है रन कस्टम जेस्चर के ऊपर। जैसे ही आप कस्टम जेस्चर के ऊपर क्लिक करोगे, तो गाइज आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने अपने आईफोन में लॉक लगा रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने अपने आईफोन में कोई भी मान लीजिए कि मैंने लॉक लगा रखा है, ये जो पासकोड है, सो मुझे जो है इस पासकोड को रिमाइंड करना है कि ये स्क्रीन पर कहाँ कहाँ किस किस जगह पर आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा जो पासकोड है वो 0000 है, सो मैं यहाँ पर 6 बार 0000000 लगाऊंगा तो मेरा जो आईफोन है वो अनलॉक हो जाएगा। अगर आप इसे रिपीट करना चाहते हो, सो यहाँ पर आप इसे दोबारा से प्ले कर सकते हो। आई मीन से जस्ट, अगर आपसे गलती हो गई है, सो आप दोबारा से करना चाहो, सो आप ये दोबारा से इस चीज़ को दोबारा से सेट कर सकते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, 6 बार मैं 00 सेट करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता है कि जब मैं आईफोन को अनलॉक करने जा रहा हूँ तो 0 यहाँ पर इसी जगह पर होगा। सो मुझे जो है 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से मैं 6 बार टैप कर दूंगा, और मैं सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो मेरा जो जेस्चर है वो रन होना शुरू हो जाएगा। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इसे सेव कर देना है, और यहाँ पर वॉइस कंट्रोल्स को ऑन कर देना है, और दैट्स इट। यहाँ पर मेरा जो है ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरा फ़ोन जो है लॉक्ड कंडीशन में है। इसको मैं अगर वॉइस अनलॉक से अनलॉक करना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे पहले इसकी स्क्रीन को ऑन करके इसे ऑन करना है, और फिर बोलना है जो भी मैंने अपना जेस्चर सेट कर रखा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यही इसी चीज़ को यूज़ करता हूँ, अनलॉक। सो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने अनलॉक बोला, मेरा जो आईफोन है, मेरे आईफोन ने वही जेस्चर जो है वो यूज़ किया, 0000 6 बार टैप किया, तो मेरा आईफोन उसी टाइम अनलॉक हो गया। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँ, अनलॉक। सो जैसे कि आप देख सकते हो, ऑटोमेटिकली ये जो 00 के ऊपर प्रेस होगा, और मेरा जो आईफोन है वो अनलॉक हो जाएगा। अगर आप मान लो बंद करना चाहते हो वॉइस कंट्रोल्स को, कि अब आपको वॉइस कंट्रोल से आपका आईफोन नहीं अनलॉक हो करना, तो आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, वॉइस कंट्रोल्स के ऊपर जाना है, और इस ऑप्शन को बंद कर देना है। अगर स्पेशली आप अपने कमांड को चेंज करना चाहते हो, तो कस्टमाइज कमांड्स के ऊपर जाओ। यहाँ पर आपने जो भी ऑलरेडी कमांड बना रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो अनलॉक वाली, इसको एडिट करके डिलीट भी कर सकते हो, या फिर आप अपना फ्रेज चेंज कर सकते हो अगर आपको कोई और नाम बोल के फ़ोन को अनलॉक करवाना है। सो यह है सिंपल मेथड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइज।